चलिए ठीक है। अस्सलाम वालेकुम, आज बहुत अच्छे के बाद हम दोबारा आपके पास आए हैं। जैसे मैं आपकी रेसिपी तो नहीं, लेकिन एक पराठे की जो है वो बताया कि पराठा कैसे बनाते हैं, स्क्वायर पराठा। तो ये मैंने पेड़ा ले लिया छोटा सा, और ये वाइट आटा था, गंदम का आटा तो नहीं है, लेकिन गंदम के आटे का भी बहुत अच्छा बनता है। मोस्टली लोग वाइट आटा पसंद करते हैं, और ये वाइट आटे से ज़्यादा अच्छा बनता है। पेड़ा ले लिया मैंने छोटा, इसको हम बेल लेते हैं। आटा लगा के ताकि ये चिपटे ना, नजर आ रहा है ना। इसको अच्छी तरह से बेलने के बाद आप देसी घी लगा सकते हैं, मक्खन लगा सकते हैं, जो भी घी अवेलेबल है वो लगा सकते हैं। नाशपाती अवेलेबल है तो वो लगाने। आप इसको इतना बना लें, रोटी एक बना लें, ठीक है। रोटी बनाने के बाद आप इसके अंदर लगाने के बाद उसको अच्छी तरह से पूरी रोटी के ऊपर मल दें, स्प्रेड कर दें, और फिर जो खुश्क आटा है वो उठा के थोड़ा थोड़ा उसके ऊपर लगा दें, वो भी उसके ऊपर आपने फैला देना हल्का हल्का ऐसा। आप उठा के उसको एक तरफ से ऐसे करें और उसके ऊपर भी थोड़ा सा लगा, और दूसरी तरफ से भी उठा के बंद कर दें, और उस हिस्से के ऊपर भी घी अच्छी तरह से लगा दें, और उसके बाद थोड़ा सा खुश्क आटा लेके उसके ऊपर भी डाल दें। दोनों तरफ से उसको फोल्ड कर दिया, आप इधर से उठाएं फोल्ड कर दें, और फिर इधर से उठाएं और फोल्ड कर दें। ये देखिए, ये स्क्वायर पराठा का जो आपका पेड़ा था वो हमने बना लिया। पहले सादा गोल पेड़ा बनाया था, उसके बाद घी लगाने के बाद हमने इसको स्क्वायर शेप में कर दिया। अब हमने ये इसको कर लिया, हम इसको बेल लेते हैं। उधर से मैं तवा रख देती हूँ ताकि वो जो है गर्म हो जाए, और इसको हम बेल लेते हैं। इस तरह बेलना कि ये स्क्वायर शेप में ही आए, और स्क्वायर ही बनेगा ये आपका, क्योंकि उसकी शेप हमने बेल की ऐसी दी है, तो ये स्क्वायर ही बनेगा। अब हमने इसको बेल लिया, आप देखेंगे स्क्वायर शेप में ऑलमोस्ट बन गए, ऑलमोस्ट नहीं बल्कि डेफिनेटली उसी शेप में। अब मैं इसको तवे पे डाल दूंगी, जो ही तवा हीट अप होता हमारा। हाँ जी, हमारा तवा जो हीट अप हो चुका है। अब ये मैं पराठा उठा लेती हूँ उधर से, और हम इसको बना लेते हैं। ये देखिए, मैंने इसको डाल दिया, अब ये बस बना बना और बना, 2 मिनट में बना। मेरे साथ कोई है नहीं अभी, अभी आप देखें मजेदार अच्छा सा जो पराठा हमारा रेडी होने वाला है। इसको मैंने पलट दिया, दूसरी तरफ हमने चाय भी रखी हुई है, इसको मैंने पलट दिया। पलट के इसके सीधी साइड पे मैं घी नहीं लगाती, इसको मैं पलट के तो जो इसकी दूसरी साइड होती है उस पे घी लगाती। ये मैंने इसके ऊपर घी लगा दिया, आप अपनी मर्जी से जितना आपको पसंद है आप जो है वो लगा सकते हैं। घी लगा दिया, और ये देखिए बहुत अच्छा बनेगा, देखिए कैसे फूल गया है। ये फूलता इसलिए कि जब हम इसके अंदर खुश्क जो आटा होता है वो थोड़ा सा ऐड कर देते हैं, उसके ऊपर फैला देते हैं उसको। ये देखें कितना अच्छा बना, अभी ये हल्का ब्राउन हो जाएगा। मैंने इसको दूसरी तरफ से कर लिया, पराठा हमारा जनाब तैयार हो गया स्क्वायर शेप में। बड़े लोगों को पसंद होता है भी स्क्वायर शेप में पराठा खाने। मैंने आज सोचा आज मैंने जरूर बनाना है, कुछ भी हो जाए, मौसम भी बड़ा अच्छा है, बारिश हो रही है इधर गुजरात में, और ये हमारा बन गया पराठा। देखें दूसरी साइड भी देखें कितनी अच्छी बन गई है, और जिधर घी लगाया था वो वाली साइड एक मजेदार जो पराठा हमारा हो
रेडी हो गया। अब रेडी करके मैं आपको फिर बताती हूँ जी हम जब इसको खाने लगेंगे। ये देखें, ये देखें, ये हमारा स्क्वायर पराठा जो है वो रेडी हो गया। गर्मा गर्म पराठा रेडी। अभी मैंने और भी बनाने हैं, बाकी बना लें फिर आपके साथ शेयर करें। ये जो है हमारा नाश्ता चाय, ये हमने बनाई हुई है अरबी, और ये हमारा स्क्वायर पराठा रेडी है। अब हम करने लगे हैं नाश्ता। आप भी ऐसा पराठा बनाएं ठंडे मौसम में और खाएं और इन्जॉय करें।